नमस्कार किसान साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्रोटेक इन रिव्यू में। किसान साथियों, आज का विषय जानना मालवी काठिया वैरायटी यानी कि पूसा वैरायटी की 5 उन्नत किस्में जो कि हाल ही में विकसित की गई हैं, इनके बारे में हम पूर्ण जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो अंत तक वीडियो देखते रहिए एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो किसान साथियों, बात कर लेते हैं हम आज किन किन वैरायटियों के बारे में जानेंगे। किसान साथियों, जो 5 उन्नत पूसा की यानी कि मालवी काठिया की वैरायटियां हैं उनमें से पूसा तेजस, पूसा अनमोल, पूसा यशस्वी, पूसा गौतमी और पूसा पोषण के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से आज जानेंगे। तो जान लेते हैं आज की पूसा की पहली वैरायटी मालवी काठिया की उन्नत वैरायटी पूसा गौतमी के बारे में। किसान साथियों, पूसा गौतमी को HD3086 के नाम से भी जाना जाता है। ये 2013 में विकसित की गई थी। साथ ही इसके दिन की बात करूं, अवधि की बात करूं, तो 130 से लेकर 140 दिन की ये वैरायटी है। वही 22 से लेकर 25 क्विंटल पर एकड़ और 60 से लेकर 70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से उत्पादन देने में ये सक्षम है। क्षेत्र की बात करूं किसान साथियों, तो हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब जैसे क्षेत्रों के लिए अनुकूल है। उसी के साथ इसको ब्रेड वैरायटी भी कहा जाता है क्योंकि ये ब्रेड बनाने के लिए बहुत सूटेबल होती है। साथ ही किसान साथियों, यह लीफ रस्ट, स्ट्रिप रस्ट, स्टेम रस्ट यानी कि जंग वाली जितनी भी बीमारियां होती हैं उनके प्रति सहनशील है। साथ ही लूज मट जिसे हम कहते हैं अनावृत कंड और फ्लैक्स मट गेहूं पे लगने वाली कवक, उनके प्रति भी यह अवरोधी किस्म है। किसान साथियों, इस वैरायटी का पौधा आकार में तो लगभग GW322 जैसे सामान्य होता है, लेकिन दाने की बात करूँ तो इसका दाना बोल्ड और हल्का लाल रंग का चमकदार दाना होता है। दूसरे नंबर पर बात कर लेते हैं हम मालवी काठिया की वैरायटी पूसा तेजस, जिसे हम H1 8759 के नाम से भी जानते हैं। किसान साथियों, मैंने इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाया है, काफ़ी अच्छी वैरायटी है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, आप वहां से जाके चेक कर लीजिएगा। वहीं हम बात करें पूसा तेजस की, तो पूसा तेजस एक क्षेत्रीय केंद्र इंदौर द्वारा विकसित की गई वैरायटी है जो कि 2017 में विकसित की गई थी। देश के मध्य क्षेत्र के लिए उपयुक्त है, साथ ही अधिक उत्पादक बेहतर गुणवत्ता के साथ साथ ये जैविक व अजैविक दबाव प्रतिरोधी किस्म है। इसकी अवधि की बात करूं तो 125 से लेकर 130 दिन की ये वैरायटी है। वहीं 55 से लेकर 75 क्विंटल कम से कम उत्पादन देने में ये सक्षम है। वहीं अगर एकड़ से बात करूं तो 25 से लेकर 30 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से उत्पादन देती है। किसान साथियों, सिंचाई के लिए हम इनमें क्षेत्र के मुताबिक 3 से लेकर 4 पानी अधिकतम इनमें लगते हैं। वहीं मध्य भारत के क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। पूसा तेजस वैरायटी प्रोटीन, विटामिन ए, जिंक, आयरन जैसे तत्वों से संपूर्ण है। वहीं रोटी के साथ साथ नूडल्स, मैक्रोनी, ब्रेड, सूजी, दलिया जैसे खाने की चीज़ों में इसका उपयोग किया जाता है। पौधे के आकार की बात करूं तो कम हाइट का इसका पौधा होता है। वहीं रुएदार इसकी बालियां होती हैं जिनमें चारों तरफ से दानों का भराव होता है। तीसरे पायदान पर हम बात कर लेते हैं पूसा अनमोल, जिसे हम H1 8737 के नाम से भी जानते हैं। वर्ष 2014 में विकसित की गई H1 8737 मध्य भारत में काफ़ी प्रचलित है। यह मालवी काठिया गेहूं की एक उन्नत किस्म है जो कि मध्य भारत क्षेत्र में उपज बढ़ाने में हितकारी है। साथियों, इसके पौधे के आकार की बात करूं तो इसका पौधे का आकार लंबाई में कम होता है, लगभग 80 से लेकर 90 सेंटीमीटर का इसका पौधा होता है। साथ ही अवधि की बात करूं तो 120 से लेकर 125 दिन की यह वैरायटी है। उपज की बात कर लें किसान साथियों, तो 65 से लेकर 70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, वही 22 से लेकर 27 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से उत्पादन देने में सक्षम है। वही सिंचाई की बात कर लें तो क्षेत्रों के मुताबिक 3 से लेकर 4 सिंचाई इसमें की जाती है। भारी मिट्टी में 3 सिंचाई, वही हल्की मिट्टी में 4 सिंचाई इसके लिए अधिकतम ज़रूरी होती है। यह वैरायटी प्रोटीन, आयरन, जिंक का भंडार है। वही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान के कोटा एवं उदयपुर, वहीं यूपी के झांसी संभाग के लिए इसको विकसित किया गया है। इस श्रेणी में चौथे नंबर पर हम बात करेंगे पूसा पोषण के बारे में, जिसे हम H1 8663 के नाम से भी जानते हैं। साथ साथियों, यह भी एक मालवी काठिया गेहूं की उन्नत किस्म है जो कि मध्य भारत क्षेत्र के लिए विकसित की गई है। अवधि की बात कर लें तो 120 से लेकर 125 दिन की वैरायटी है। वही उपज की बात करें तो 60 से लेकर 65 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, वहीं 25 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से उत्पादन देती है। इसमें पानी ज़्यादा आवश्यक होता है, इसमें कम से कम 4 से लेकर 5 सिंचाई की ज़रूरत होती है
और किन्हीं क्षेत्रों में तो इसमें 6 सिंचाई भी लग जाती है। साथियों यह वैरायटी नूडल्स, मैक्रोनी, दलिया, सूजी जैसे खाद्य पदार्थों को बनाने के लिए उपयोग की जाती है। इसका दाना बड़े आकार का होता है, बोल्ड होता है, साथ ही इसका दाना बहुत चमकदार होता है। आखिरी और पांचवें पायदान पर हम बात कर लेते हैं पूसा यशस्वी, जिसे हम HD3226 के नाम से भी जानते हैं। ये मालवी काठिया वैरायटी में से एक सबसे बेहतर वैरायटियों में से एक है। वहीं हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात ऐसे क्षेत्रों के लिए विकसित की गई है। साथियों इसमें कम से कम 4 से 5 सिंचाई की आवश्यकता होती है। वही रस्ट डिजीज़ में ब्लैक रस्ट, येलो रस्ट और ब्राउन रस्ट के प्रति ये सहनशील है। उसी के साथ जड़ सड़न, जड़ गलन, गर्दन तोड़ डिसीज़, उसके बाद फ्रूट रॉट डिसीज़ के प्रति भी ये सहनशील है। वही उत्पादन की बात करूँ तो 70 से 75 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और 25 से 30 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से उत्पादन देने में ये सक्षम है। इस वैरायटी को 2019 में मंजूरी दी गई थी। साथ ही इसमें प्रोटीन, ग्लूटीन, आयरन और जिंक की मात्रा अन्य वैरायटियों के मुताबिक अधिक होती है। इस वैरायटी को उपज बढ़ाने के लिए हितकारी माना गया है। तो ये थी किसान साथियों मालवी काठिया पूछा किस्म की 5 उन्नत किस्में, जो कि आपकी उपज बढ़ाने के लिए हितकारी साबित होंगी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसी के साथ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि किस विषय पर आपको वीडियो चाहिए। फिर लौटूंगा ऐसी जानकारी, ऐसी सूचना के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए किसान साथियों। जय हिंद, जय भारत।